नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पंचायत में। हम यहां बोले तो बिहार करने आए हैं, लेकिन इस दौरान हमें जन अधिकार पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता मिले हैं जो यहां आगामी चुनाव को लेकर के गोष्ठी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं राकेश रंजन यादव जी से, जो इस महुआ विधानसभा क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार हैं जन अधिकार पार्टी की ओर से। राकेश जी, क्या तैयारी है आप लोग की इस चुनाव में, आने वाले चुनाव को लेकर? हमारी तैयारी कंप्लीट है। पूरे सभी 280 बूथों पे हमारा बूथ कमेटी बन रही है। 25,000 सदस्यता अभियान जो हमारा पार्टी के मार्गदर्शन और डेडलाइन है, उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। अभी तक हम 20,000 प्लस बना चुके हैं। और एक एक घर हम लोग आदरणीय पप्पू यादव जी के बातों को, उनके मिशन को, उनकी प्रतिज्ञा को पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से 15 सालों की ये सुशासनी सरकार लोगों को ठगने का काम किया, और पहले के पूर्व के 15 साल की सरकार जिस तरह बिहार को बर्बाद करने का काम किया, और हमारी सरकार, हमारे माननीय पप्पू यादव जी कैसे बिहार चाहते हैं, उस बिहार की कैसी परिकल्पना होगी, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही हम ये पूछना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं बिहार को बदल दूंगा, इस बार हमको मौका दीजिए। 15 साल पहले वाली हम सामाजिक न्याय की सरकार और इस महुआ विधानसभा में उन्हीं जो अभी भावी मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं, उन्हीं के बड़े भाई यहाँ 5 साल से विधायक है। मैं पूछना चाहता हूँ उन विधायक जी से कि 5 साल में क्या महुआ के एक भी विकास का सवाल उन्होंने विधानसभा में किया? क्या बिरिंदा बन रहने से महुआ का विकास होगा? क्या जाति उन्माद फैलाने से यहाँ के जो एक प्रबल दावेदार NDA के हैं, उनका बहुत बड़ा विद्यालय है, लेकिन कभी किसी एक गरीब के बच्चे को, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत BPL धारी के बच्चे को पढ़ाना है 25% को, क्या एक भी बच्चे का एडमिशन उनके विद्यालय में हुआ क्या? और वैसे लोग भी आज वो भेड़िए के खाल ओढ़े हुए बाह के और कहते हैं कि हम ही आपका विकास करेंगे, लेकिन जन अधिकार पार्टी आदरणीय पप्पू यादव का एक एक सेवक केवल ये कह रहा है कि जो प्रतिनिधि आपके लिए काम करे उसको चुने। ऐसा नहीं कि हम ही एक अकेले हैं। हम अगर आपके विश्वास पे खड़े उतरते तब हमको चुनिए, अगर हम भी वैसे हैं तो हमें नकारिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने में सक्षम हूँ, तब मुझे वोट दीजिए। लेकिन पप्पू यादव ने जिस तरह चमकी बुखार हो, पटना में बाढ़ हो, कोरोना महामारी हो, NRC और CAA हो, उस सभी में जिस तरह जन भागीदारी किया है, तो क्या मुझे भी वोट का अधिकार है? और मैं अपने नेता के किए हुए कार्यों पर वोट मांगने आया हूँ, क्योंकि उन्होंने महुआ समेत बिहार के सभी पंचायतों में कमोबेश जितना भी हुआ उसका सहयोग किया है, उस आधार पे हम आए हैं। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि मैं उनके विश्वास पे खड़ा नहीं उतरूंगा तो मुझे नहीं चुने। लेकिन ऐसे झूठे, लफंगे और धोखेबाज लोगों से बचे, महुआ बचा लो, मौका है, बाकी सब धोखा है। आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं मौजूदा विधायक पे, लेकिन मौजूदा विधायक महुआ के गली मोहल्ले में घूमते देखे गए, खुलेआम सार्वजनिक जगहों में स्नान करते देखे गए, खाते देखे गए, फिर इस तरह का आरोप सिर्फ राजनीतिक आरोप की वजह से? वो केवल वृंदावन के बाद यहाँ चापाकल पर नहाने आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया का, पिछले बार भी उसी चापाकल पर नहाए थे, अब फिर इसी बार उसी चापाकल पर नहाए, किनको? उनको एक एक चापाकल देखा लो कि वो चापाकल उनको प्यारा है, और क्यों प्यारा है वो सभी लोग को मालूम है। वो केवल और केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। पूछा जाए कि क्या महुआ विधानसभा के लक्ष्मीपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय कहाँ है, अगर मौजूदा विधायक बता देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो पहले चमचा बता देगा तब नहीं, अभी आप पूछे अगर वो बता दे कि लक्ष्मीपुर विधानसभा में के वहाँ के लोगों को, लक्ष्मीपुर पंचायत के लोगों की कौन समस्या है? क्या मैं विधायक से पूछना चाहता हूँ क्या गली नली में 40% कमीशन मुखिया जी ले रहे हैं और विधायक नहीं बोलते? क्या विधायक की जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या?
क्या 7 निश्चय में नल जल में पूरा का पूरा घोटाला हुआ महुआ में, क्या उनके तहत वीडियो से उन्होंने कमीशन नहीं लिया क्या? इनके पीएससी में चल के देखिए, एक भी न जांच किट है न पीपीपी किट है, कोरोना महामारी से मर रहा है, इसके लिए इनके पास नहीं है व्यवस्था, इनको सवाल नहीं करना चाहिए था क्या? क्या चापाकल पे नहाने से महुआ के विकास के हो जाएगा क्या? पूछिए, क्या इन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना करा दिया स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, क्या उसमें फंड आवंटन क्यों नहीं कराया? लोगों को ठगने का काम करते हैं, और ये केवल और केवल बाप के नाम पे माँ के नाम पे चुनाव लड़ने का काम करते हैं, और बाप मतारी कितना दिन किसी को ढोएगा? बाप बूढ़े हो गए हैं, माताजी हमारे पूजनीय माँ है, मैं उसी माँ और पिता का सम्मान करता हूँ, लेकिन वैसे नालायक को मैं सम्मान नहीं करता हूँ। और महुआ का मैं बेटा हूँ, महुआ के बेटा होने के नाते महुआ के लोग को ही जनप्रतिनिधि बनाइए, और वैसे भगोरे लोगों को गोपालगंज भगाइए, क्योंकि वो चापाकल पर केवल नहाने का काम करेगा, इसके अलावा उसको कोई काम आता ही नहीं। ये बताइए कि महुआ की जो मौजूदा व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके नज़र में? महुआ की सबसे बड़ी समस्या, आप किस समस्या की बात करते हैं, कहां से समस्या गिनाओ? शिक्षा समस्या ही है, स्वास्थ्य समस्या ही है, बिजली आज यहाँ समस्या ही है, सड़क समस्या है, किसान के लिए खेती और किसानी समस्या है, किसी खेत में अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी आज डीजल का दम बढ़ गया, उसमें किसान, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसान के लिए अलग फीडर बना देंगे, महुआ में पिछले 40 घंटों से बिजली उपलब्ध नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। किसान का समय माने जो उपज होता है वो बेचने के लिए यहाँ क्रय केंद्र नहीं खड़ बनाया गया, ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के बेरोजगारों के लिए स्किल सेंटर काम नहीं करता, ये समस्या है। यहाँ के लोगों को जाम बड़ी समस्या है, एडमिनिस्ट्रेशन समस्या है, आए दिन महुआ ऐसे विधायकों के कारण और जनप्रतिनिधियों के कारण अपराधियों का हब बन चुका है। यहाँ देखिए, स्वर्ण व्यवसायी को दिन दहाड़े लूट लिया गया, जहाँ थाने से 2 कदम की दूरी पे, यहाँ पे अपराधी ही अब्दुलपुर चौक और गाछी में अपराधियों का अड्डा बना हुआ है, रात दिन यहाँ सीएसपी और छोटे छोटे माने हमारे ग्राहक सेवा केंद्रों को टारगेट बना के लूटा जाता है, अपराधियों का हब बना हुआ है, कोई स्किल सेंटर नहीं है, समस्या तो सब कुछ, लॉ एंड ऑर्डर समस्या, हॉस्पिटल में आप चलिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो फिर सिरिंच बाहर से लाने की बात होती है, ये समस्या है। आप किस समस्या हो, विद्यालय है, मास्टर नहीं है, ये तमाम समस्या, और सभी समस्याओं की बात करें तो समस्याओं की अंबार है। केवल और केवल आज गांधी चौक पे चलिए, घुटना भर पानी लगा हुआ, समस्या की बात करते हैं, जहाँ SDO ऑफिस से अभी चलिए, घुटना भर पानी नजर आ रहा है। अब समस्या तो एक विधायक 5 साल में रह के अपने विधानसभा में माने ये समस्या नहीं खत्म कीजिए, अब्दुलपुर से लाल परमानंदपुर डगरू होते हुए कुछर चलिए, उस रोड में चलने की स्थिति नहीं, और जहां का विधायक RJD का विधायक 5 सालों से विधायक है, आप कहते कि हमारी सरकार बना दीजिए, जब आप 5 साल विधायक रहे और एक सड़क नहीं बना पाए, आप चलिए, सबसे बड़ा यहाँ का जीवन रेखा कहा जाता है, मंगरू चौक पचमुखी चौक से होते हुए, परसौनिया होते हुए चकसिकंदर जो राजा पाकर विधानसभा की जोड़ती है, ये 20 किलोमीटर का सड़क जिससे कम से कम 5 लाख की आबादी जुड़ा हुआ है, और आज़ादी के बाद 20 सालों से वो सड़क का दशा, 30 सालों से वो सड़क नहीं है, गड्ढा है, आप एक बार देख लीजिए सर, और मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने स्तर से देखिए और बताइए ये जनता को कि ये सड़क क्यों नहीं। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि इस बार महुआ का जो मुकाबला है वो तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच में होगा, तो इन मुकाबलों के बीच में आप कहाँ हैं? हम चुनाव जीत रहे हैं, पप्पू यादव का आशीर्वाद है, और पप्पू यादव ने जन सेवा किया, और पप्पू यादव के एक कार्यकर्ता ने जो जनता को सेवा किया है, इसलिए जन अधिकार पार्टी के सामने कोई पार्टी नहीं है। कहने के लिए डिजिटल वर्चुअल सब कर ले और गाय गंगा गोबर कर ले, जग कराने से कोई जीतने वाला नहीं है, यहाँ पप्पू यादव का काम बोलता है, और पप्पू यादव के काम पे जन अधिकार पार्टी बिहार का इकलौता सीट होगा जहां से हम लोग जीत के सबसे ज्यादा वोटों से जाने का काम करेंगे, और महुआ विधानसभा में, बिहार विधानसभा में परचम लहराएगा, क्योंकि जन अधिकार पार्टी का कोई भी उम्मीदवार सबसे ज्यादा अधिक मतों से जीतेगा तो वो महुआ से जीतेगा। ये जन अधिकार पार्टी का एक कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं का जो स्नेह है, इसके चलते भारी मतों से हम चुनाव जीतेंगे, बाकी कोई नहीं है, पैसा बांट ले, ठग ले, लोगों को लॉलीपॉप दिखा ले, ऐश्वर्या राय क्या है, ऐश्वर्या राय तो दोनों चट्टा बट्टा है कि पति न पत्नी, हम दोनों इस बहकावे में कोई आने वाले नहीं है, यहाँ कोई नहीं जीतने वाला, जन अधिकार पार्टी तौरे तौरे मूसा के तरह हम लोग चाल चुके हैं, जिसको जो करना है करते रहे, चुनाव तो जीतना जन अधिकार पार्टी ही जीतेगी। तो सुना है आपने, जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, उनमें जीत को लेकर अभी से ही काफ़ी उत्साह है, और कहीं ना कहीं ये इस बात से निश्चिंत हैं कि
आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देंगे। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, महुआ, लक्ष्मीपुर पंचायत।